चलिए अब सीधा रुख करते हैं नवनिर्मित अधिवक्ता भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का। द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर का ये कार्यक्रम है। सीएमआर से वीसी के जरिए जुड़े हैं सीएम गहलोत। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। खास कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। नवनिर्मित अधिवक्ता भवन का उद्घाटन कार्यक्रम ये है। द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर का ये कार्यक्रम है जिसमें वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़े हैं, सीएमआर से वो जुड़े हैं। सर एक कुर्सी आप यहाँ पे लगवा सकते हैं क्या? अधिवक्ता भवन का उद्घाटन कार्यक्रम है जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और आपको बता दें इन तस्वीरों में सीएम अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही किस तरीके से उद्घाटन किया गया है वो तस्वीर भी आपके सामने है। द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर का ये कार्यक्रम है। सीएमआर से वीसी के जरिए जुड़े हैं सीएम गहलोत। फर्स्ट इंडिया लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। बेहद खास कार्यक्रम ये है। अब औपचारिक तौर पर शुरुआत इस कार्यक्रम की हो चुकी है क्योंकि उद्घाटन हो चुका है। और सीएमआर से वीसी के जरिए सीएम अशोक गहलोत जुड़ भी चुके हैं। अब कुछ ही देर में जिस तरीके से स्केड्यूल तैयार किया गया है इस पूरे कार्यक्रम का, उसके अनुरूप आगे बढ़ा जाएगा क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर उद्घाटन करना था तो उसका उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत के कर कमलों से हुआ है। हालांकि वीसी के जरिए उन्होंने ये उद्घाटन किया है। फर्स्ट इंडिया लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है तो अपने आप में बड़ी सौगात ये है अधिवक्ताओं के लिए, क्योंकि अधिवक्ताओं के लिए नए भवन का निर्माण किया गया और उसी का उद्घाटन कार्यक्रम ये है। द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएमआर से वीसी के जरिए सीएम गहलोत जुड़े हैं, कई अधिकारी और हैं, कई गणमान्य और हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं क्योंकि द बार काउंसिल ऑफ जोधपुर का ये पूरा कार्यक्रम है। साथ ही अगर तस्वीरों को हम गौर से देखें तो नवनिर्मित भवन की तस्वीर भी आपको नजर आएगी क्योंकि किस तरीके से उसको सजाया गया है वो तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। उद्घाटन हो चुका है नवनिर्मित भवन का। हो सकता है कुछ ही देर में सीएम अशोक गहलोत सभी को संबोधित भी करें, उनके संबोधन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। फर्स्ट इंडिया लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तो नवनिर्मित अधिवक्ता भवन का उद्घाटन कार्यक्रम ये है। द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर का ये कार्यक्रम है। सीएमआर से वीसी के जरिए जुड़े हैं सीएम गहलोत। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। जी, मैं बताना चाहूंगा कि बार काउंसिल की ओर से एक एडवोकेट भवन बनाया गया है। इस एडवोकेट भवन की जो खासियत है कि लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से ये एडवोकेट भवन तैयार हुआ है जिसमें 18 कमरे हैं। जेडीए की ओर से यहाँ निःशुल्क भूमि का आवंटन किया गया था, उसके बाद यह एडवोकेट भवन बन गया है। इसमें प्रदेश भर के अधिवक्ता, क्योंकि जोधपुर न्यायिक राजधानी है तो विभिन्न कार्यों के लिए जोधपुर आना पड़ता है, तो जो भी अधिवक्ता जोधपुर आते हैं उन्हें अगर रुकने की आवश्यकता होगी नए वाले हाईकोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पर यह अधिवक्ता भवन बनकर के तैयार हुआ है जिसका आज उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दिनेश माहेश्वरी है और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अखिल कुरुती ने इसका उद्घाटन किया है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। कुछ देर पहले ही इस भवन का जो है उद्घाटन किया गया है और अब उद्घाटन के बाद वो भवन का अवलोकन कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संबोधित करेंगे, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का संबोधन होगा, मुख्य न्यायाधीश अखिल कुरेशी वो संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात अधिवक्ताओं के लिए कही जा सकती है। निश्चित रूप से इस अधिवक्त भवन बनने से, क्योंकि जहाँ राजस्थान हाईकोर्ट का जो नया भवन है शहर से थोड़ा दूर है तो ऐसे में होटल वगैरह में या रुकने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो अब अधिवक्ताओं को यहाँ रुकने में आसानी होगी और प्रदेश भर के जो अधिवक्ता है उनके लिए एक बड़ी सौगात ही है जोधपुर का एडवोकेट भवन है। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, बड़ी सौगात अधिवक्ताओं को मिली है।